कांग्रेस ने दो और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, उकलाना से नरेश और नारनौल से जसबीर सिंह को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी देखिए, कांग्रेस की चार सीटें बची हैं, अभी दो सीटों को लेकर जानकारी मिल रही है। 88 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस। उकलाना से भी उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है और नारनौल से भी, देखिए उकलाना से नरेश को टिकट दिया गया है, नारनौल से भी टिकट दिया गया है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो अभी भी दो सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा बाकी है, 88 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस। तो कांग्रेस ने दो और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और फिलहाल दो सीटें अभी बची हुई है, उकलाना से नरेश को और नारनौल से जसबीर सिंह को टिकट दिया गया है। तो अभी दो और सीटें फिलहाल बाकी हैं। देखिए लगातार आपको बता रहे थे कि चार सीटें विधानसभा की अभी कांग्रेस की बची हुई हैं। अब दो सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, उकलाना से नरेश को टिकट दिया गया है, नारनौल से जसबीर को टिकट दिया गया है। रवि काले नंबर विशेष संवाददाता हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े हैं। रवि देखिए, उकलाना और नारनौल का जिक्र करना चाहूंगी, इन दो विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने फिर से अपने प्रत्याशी उतारे हैं, उकलाना से नरेश और नारनौल से जसबीर सिंह। बिल्कुल, देखिए दो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से उतार दिए गए हैं। उकलाना से अगर बात की, विधायक नरेश सिलवाल को मौका कांग्रेस की तरफ से मिला है और नारनौल की अगर बात की जाए जसबीर सिंह पेटवार को जो है वो टिकट दी गई है। युवा चेहरा है और युवा चेहरा होने के नाते कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से इन पर भरोसा जताया गया है। चार सीटें जो है वो कांग्रेस की अभी तक आज सुबह तक जो है वो पेंडिंग थी, उनमें से दो पे उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से उतार दिए गए हैं। अब भिवानी और सोहना सीट, ये दो सीट बची हुई है जिनको लेकर जल्द फैसला जो है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से जो है आ सकता है। जल्द इन दो सीटों को बची हुई दो सीटों पर भी सूची जो है कांग्रेस जारी कर सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो दो उम्मीदवारों का नाम का ऐलान जो है कांग्रेस की तरफ से जारी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उकलाना से पूर्व विधायक नरेश सिलवाल पर पार्टी ने एक भरोसा जताया है और नारनौल से जसबीर सिंह जस्सी पेटवार ये उम्मीदवार होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं जस्सी, और इससे पहले भी लगातार फील्ड में एक्टिव रहे हैं, लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दी। एक बार कहीं ना कहीं चर्चाओं में नाम इनका कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से इन पर भरोसा जताया गया है। अरे बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी दो सीटें हैं और उसके अलावा भी दो सीटें पेंडिंग है। कांग्रेस की रणनीति इस बार क्या कुछ रही है? देखिए जिस तरीके से अभी किश्तों में कांग्रेस की लिस्टें सामने आ रही है, लगातार विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल जो दो सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, क्या कुछ वजह है जो इस बार इतने एंड मूवमेंट पर कांग्रेस इस तरीके से अपने प्रत्याशी घोषित करती हुई नजर आई है? देखिए चार सीटों पर सहमति जो है वो नहीं बन पा रही थी, अब दो सीटों पर कांग्रेस की तरफ से सहमति बन गई है। दो सीटों पर उम्मीदवार जो है कांग्रेस की तरफ से उतार दिए गए हैं। अब बची हुई दो सीटें भिवानी और सोहना, इनको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। जल्द ये दो सीटें जो है वो जो है उन पर कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे। हालांकि भिवानी की अगर बात की जाए तो तीन जो मुख्य तौर पर कैंडिडेट हैं वो उनका नाम जो है पैनल में चल रहा था, बात करें डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज पूर्व विधायक रहे हैं उनका नाम चल रहा था, इसके साथ साथ संदीप तंवर का नाम चल रहा था और अभिजीत लाल सिंह, ये तीन नाम जो है पैनल में चल रहे थे। कहीं ना कहीं अभिजीत लाल सिंह की तरफ से निर्दलीय तौर पर तो जो है पर्चा दाखिल कर दिया गया है, उनकी तरफ से नामांकन जो है वो भर दिया गया था। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस प्रकार से इन दो सीटों पर अपने नाम का ऐलान करती है। फिलहाल दो सीट बाकी हैं, बाकी 88 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। अब बिल्कुल देखिए, नारनौल से जसबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, युवा चेहरा है, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है, कितने जमीनी स्तर पर कितने खड़े उतरेंगे कांग्रेस, क्या कुछ सोच रही है इस तरीके से युवा चेहरा को टिकट देने के लिए? बिल्कुल देखिए, जमीनी स्तर पर लगातार एक्टिव वो जरूर रहे हैं और लोगों के बीच जाते रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो नारनौल सीट पर एक और प्रत्याशी का जो है वो नाम की चर्चाएं जो है वो चल रही थी, राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं थी कि कुमारी शैलजा के नजदीक की रहे हैं अजय चौधरी, उनका नाम जो है वो फाइनल हो सकता था। अब कहीं ना कहीं जस्सी पेटवार को जो है वो टिकट मिली है, जसबीर सिंह इनका पूरा नाम है और ऐसे में कहीं ना कहीं फील्ड में काफी एक्टिव रहे हैं, तो पार्टी ने युवा चेहरे पे कहीं ना कहीं भरोसा यहाँ जताया है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से कमाल ये नारनौल में कर पाते हैं, और कैप्टन अभिमन्यु के साथ इनकी कहीं ना कहीं टक्कर रहने वाली है, कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं युवा चेहरे के तौर पर कांग्रेस की तरफ से भरोसा जताया गया है।
तो फिलहाल जिस तरीके से आपने उकलाला का जिक्र किया, नरेश को वहां से टिकट दिया गया है रवि, तो देखिए आपने कहा कि पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस ने एंड मूवमेंट पे जिस तरीके से अभी अपने डिसीजन चेंज किए हैं या फिर हो सकता है कि पहले से डिसाइड किया गया हो कि इनको टिकट दी जाएगी, लेकिन एंड मूवमेंट पर ये चार विधानसभा सीटों को होल्ड करना और इन सीटों को पेंडिंग लिस्ट में डालना, क्या कुछ वजह कांग्रेस की रही है? और जिस तरीके से लगातार नरेश का हम जिक्र कर रहे हैं, तो चलिए संपर्क टूट गया लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उकलाना से नरेश को टिकट दिया गया है और नारनौंद से जसवीर सिंह को टिकट दिया गया है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि जसवीर सिंह युवा चेहरा है, तो कहना कहीं कांग्रेस युवा चेहरा पर भी देखिए भरोसा करती हुई नजर आई है। उकलाना से भी देखिए नरेश को टिकट दिया गया है, तो फिलहाल दो सीटें अभी बची हुई है। बता दें आपको भिवानी और सोहना ये दो सीटें विधानसभा की है जो फिलहाल अभी पेंडिंग में है। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस कब तक इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है।